माँ का दूध है पहला आहार इसमें बसता है उसका प्यार हर बच्चा जब इसे पी ले माँ की गोद में से सो ले आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे आज यानी पाँच अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग डे का डे फाइव है आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में जहाँ ऑलमोस्ट हर लेडी इंडिपेंडेंट है और वर्किंग है तो कई लोगों का मानना है कि फार्मूला मिल्क इजीली अवेलेबल होता है और एक अच्छा सब्सिट्यूट है ह्यूमन मिल्क से तो आज हम डॉक्टर से जानेंगे ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस फॉर्मूला मिल्क के क्या प्रोज और कॉन्स हैं सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि व्हेन आई कॉलसले द लेडीज आई से सपोजिंग अवर लॉन्गिविटी अवर एज स्पैन इज 75 और 80 इयर्स इफ यू गिव टू इयर्स ऑफ दैट टाइम टू योर बेबी नथिंग इज गोइंग टू हैपन आपको कॉम्पिटिटिव होना है आगे बढ़ना है उसका ये मतलब नहीं है कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट प्राइम ड्यूटीज़ ऑफ अ मदर टू स्पेंड सम टाइम विद द बेबी एंड ब्रेस्ट फीडिंग के साथ वो एक तो फीडिंग के एडवांटेजेस तो है ही हैं प्लस शी स्पेंडिंग टाइम विद द बेबी उसमें बॉन्डिंग अच्छी हो रही है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन्स कम हो रहे हैं बच्चे को बच्चे को एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं कोई कॉलिक नहीं होता बच्चे को इट इज़ चीप वीच डोंट हैव टू बाई एनी थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइजीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जब वर्किंग मदर्स होती हैं उन्होंने कोई सर्वेंट्स रखे हैं या कुछ है उनको बोला आप ऑयल कर दो आप ये कर दो मोस्ट ऑफ़ द टाइम आईव सीन कि अगर थोड़ी सी भी कोई उसमें कुताई हो जाए थोड़ी सी भी इन्फेक्शन हो जाए पीपल लैंड अप विद बच्चों को डायरिया हो जाता है एंड देन हॉस्पिटलाइजेशन इट हैज़ बिन सीन ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के बच्चों की हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई है सो फार्मूला मिल्क की तरफ मत जाइए स्पेंड सम टाइम विद द बेबी

और उनके जवाब जानने के लिए देखते रहिए जेके न्यूज़ टुडे वीडियो जर्नलिस्ट काका के साथ मेहिमानी कंधारी